अमेजॉन में काम करने वाले व्यक्तियों को कितना चलना पड़ता है एक दिन के अंतर्गत? कौन सा झील है जो कि गुलाबी रंग का उसका पानी है? आईफोन यानी एप्पल है, उसको चार्ज करने में कितना रुपया लगता है? आपको सारे के सारे जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। जो आईफोन यानी कि एप्पल कंपनी का जो आईफोन होता है उसको चार्ज करने में कितने बिजली बिल यानी कि कितने रुपए का बिजली बिल आ जाएगा केवल ओनली वन आईफोन को चार्ज करने में? अगर आप प्रतिदिन उसे चार्ज कर रहे हैं तो कितने रुपए आएगा? अगर आप उसे प्रतिदिन आईफोन को फुल चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक दिन के अंतर्गत 15 रुपए का बिजली बिल केवल ओनली वन आईफोन चार्ज करने से आएगा। अगर आप प्रतिदिन फुल चार्ज कर रहे हैं तो 15 रुपए प्रतिदिन आएगा आपको आईफोन। दोस्तों आपने कभी अनुमान लगाए यानी कि सोचे हुए अपने मन से कि कोई भी जैसे कि कोई नदी है उस नदी का जो पानी होगा वह गुलाबी कलर का होगा, लेकिन एक है जो कि झील है उस झील में जो पानी होता है वह गुलाबी कलर का होता है, यह नहीं कि सफेद है और थोड़ा नीला है उस प्रकार के, नहीं वहाँ पर गुलाबी कलर का पानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में उस नदी का यानी कि झील का क्या नाम है? लेक हिलिया। ये लेक हिलियर आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अमेजन यानी कि अमेजॉन में जो व्यक्ति अगर काम कर रहा है अमेजॉन में, जैसे कि डिलीवरी, कोई व्यक्ति डिलीवरी कर रहा है सामान को यहाँ से वहां पहुंचा रहा है, किसी के घर पर जाकर छुपा रहा है, लेकिन एक दिन के अंतर्गत उस व्यक्ति को कितना काम पड़ जाता है यानी कि चलना, कितने वह चलता है? लगभग वह कितने चलता है? 18 किलोमीटर लगभग। वह जो व्यक्ति है अमेजॉन में काम करते हैं उसको लगभग 18 किलोमीटर प्रतिदिन चल। एक व्यक्ति है जो कि मात्र यानी कि बैंक से $1 ही चोरी किए, जो कि करीब होता है 70 से 75 रुपए करीब वह बैंक से चोरी किए। वह क्यों चोरी किए, उनका नाम क्या है? वह 2011 में जो कि नाम है रिचार्ड लेम्स वर्जन ने वह चोरी किए। क्यों किए? क्योंकि उन्हें जेल जाना था। 1 रुपए चोरी करने के बाद जेल गए क्योंकि उनके पूरे बॉडी को चेक करना था, क्योंकि उनके पास रुपए नहीं था, इसलिए वह जाकर जेल में चेक कराए बॉडी का कि मेरा बॉडी का क्या। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई एग्जाम दे रहा है जैसे कि मैट्रिक, इंटर, BA, इन समय में एग्जाम दे रहा है कोई भी पार्ट में, लेकिन अगर फेल हो जा रहा है तो उस पर क्या लिखा जाता है कि F लिखा जाता है। यहाँ बात करेक्ट है, लेकिन 1930 के पहले उस जो क्या लिखा जाता था, 19 के बाद F लिखने जाने लगा, लेकिन 1930 के पहले E लिखा जाता था, यानी कि फेल होने के बाद कोई व्यक्ति के डिग्री पर E लिख कर उसे भेज दिया था कि आप फेल। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हमेशा हंस रहा है तो उसको खुशी की बात यह है, जो कि अगर व्यक्ति कोई हमेशा हंस रहा है तो उसका खुशखबरी है। अब जानकर आप चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड क्या खुशखबरी है। जी हाँ, लेकिन आप प्रतिदिन हंसने का प्रक्रिया बढ़ाइए, यह नहीं कि हमेशा उदासी नहीं, इसलिए क्योंकि आपका जो शक्ति है जिस शक्ति बढ़ता है, क्योंकि शक्ति जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी धारने वाला है उस बीमारी को नष्ट करता है केवल आप हंसते हैं उसी से। कि अपना देश यानी कि इंडिया भारत देश है, यहाँ पर आप मनमौज यानी कि जिस प्रकार से आप अपने बाल को कटवाना चाहेंगे कटवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहाँ पर बाल को कटवा नहीं सकते हैं, वहां पर अपने हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट नियम निकाल दिया है कि आपको इस प्रकार से केस कटवाना है तो कटवाना है। यानी कि नॉर्थ कोरिया कहता है कि जो मैंने नियम निकाल दिया उसी प्रकार से आपको बाल को कटवाना है, नहीं तो आपको गैर कानूनी के अनुसार आपको सजा भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पिज्जा खा रहा है, जैसे कि अगर आप भी अगर खाए होंगे तो कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि सबसे महंगा जो पिज्जा होता है कितने का आता है, आप कितने महंगे तक खाए हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे, $12,000 वो भी अमेरिकन डॉलर में, और उसे इंडियन करेंसी में कहा जाए तो 8 लाख का पिज्जा। उस पिज्जा का नाम क्या है आप गूगल पर ही सर्च कर सकते हैं, लुइस एट पिज्जा है, सबसे महंगा पिज्जा में से है जो कि 8 लाख कीमत। इंसान जो है यानी कि आदमी कोई व्यक्ति है वह एक दिन के अंतर्गत कितने सांस के लेता है, एक सप्ताह के अंतर्गत कितने सांस लेता है, एक महीने के अंतर्गत, एक यानी 6 मंथ के अंतर्गत और 1 साल के अंतर्गत कितने बार सांस लेता है आप जानकर चौंक जाएंगे, अभी तक हमको पता नहीं था। जी हाँ, 50 लाख। आप 50 लाख बार एक इंसान जो है वह सांस को लेता है मात्र, यानी कि 50 लाख के करीब। जैसे कि अगर आप छींक रहे हैं
उसमें दिल का प्रक्रिया क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दिल होता है वह कितने बार धड़कता है, एक दिन के अंतर कितने धड़कता है, एक साल के अंतर्गत कितना धड़कता है, छः महीना के कितना धड़कता है, इस सब का वीडियो बनाए थे। लेकिन अगर आप छींक रहे हैं, छींकते समय आपका दिल जितना समय आप छींक है यानी कि एक सेकेंड के अंतर आपको जो दिल का धड़कन होता है वह रुक जाता है, जो कि आप जिस समय छींक, आपने कभी सुने हुए हैं या न्यूज या टीवी कहीं सुने हुए हैं कि सुअरों को फांसी दिया गया था, यानी कि एनिमल को फांसी दिया गया, वो भी सरकार के नियम के अंतर्गत, सरकार ने फांसी दिया गया, उसे क्यों दिया गया? जी हाँ, 1300 यानी कि 1386 में एक सुअर ने बच्चे, अधिक बच्चे को जो जन्म यानी कि जान ले लिया, यानी कि सुअर अपने नाखून पैरों से मार दिया, जिसके कारण उस सुअरों को फांसी देना पड़ा, क्योंकि उसे फांसी देकर मार डाला गया। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।